गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे माय चैप्टर इज मेंस्ट्रुएशन, चैप्टर 10, क्लास 6। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन? तो आज हम इंट्रोडक्शन में मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ये क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन मींस मेजरमेंट। हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं ज्योमेट्रिकल अपनी लाइफ में, तो उनकी कुछ एरियाज, कुछ मेजरमेंट, शेप, साइज होते हैं, उसी के रिगार्डिंग यहां पर हम सीखेंगे कि उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये नोटबुक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी कुछ ब्रेथ या लेंथ हो गई, ठीक है ना, लेंथ या ब्रेथ है यहां पर इसकी, तो यहां पर कुछ जो हमें पार्ट इसका सरफेस दिखाई दे रहा है नोटबुक का, इसका कुछ एरिया भी होगा। अगर हम यहाँ बाउंड्री को ऐड कर देते हैं तो ये भी एक अलग से कोई मेजरमेंट होगा, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। आइए, यस, अगर हमने कोई भी एक क्लोज फिगर बनाई है, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया एक पॉइंट से और मैं ऐसे इसके साथ एक राउंड लगाता हूं बॉर्डर पर, तो अगर मैंने ये पॉइंट ए लिया है और ए से स्टार्ट करने के बाद मैं वापस ए पर ही आ जाता हूं, यहां पर पूरे बाउंड्री का एक राउंड मैंने लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, जो लेंथ हमने कवर किया है या जो डिस्टेंस हमने कवर की है इसकी बाउंड्री के साथ, इसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये क्लोज फिगर है जो इस बाउंड्री ने इस सरफेस पर जो कवर की है जगह, जो सरफेस कवर किया गया है इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। जो जगह कवर हो गई है इसे बोलते हैं हम एरिया, और जो लेंथ है हमारी टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं यहां पर हम, टोटल कवर डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है इसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, ये तो एक अलग शेप है। हमारे पास जो हम शेप पढ़ने वाले हैं, सपोज दैट रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है हमारे पास? रेक्टेंगल के लिए होता है अपोजिट साइड इक्वल और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के, देखिए जो ईच एंगल से हमारे पास यहां पर वो कितना है 90 डिग्री। ऐसे हमारे पास और भी शेप है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये जो हम ये सिंबल लगाते हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये 90 डिग्री के लिए यूज करते हैं हम। तो अगर हमने यहां 90 नहीं लिखा और ऐसे बनाया तो भी ये 90 ही रीड होगा। क्लियर? तो कुछ शेप्स बनाई है मैंने स्टूडेंट्स। ऐसे यहां पर एक मैं ट्रायंगल बना सकता हूं। अगर मुझे इनकी पेरीमीटर फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने इसे लिया ए बी सी, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो ये टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है इसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यहां कितनी हो जाएगी हमारे पास? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कोई भी क्लोज फिगर हम लें, अगर हम उसकी बाउंड्री जो है टोटल लेंथ को ऐड कर लेते हैं, कितनी टोटल बाउंड्री है, अगर उसको हम एक राउंड लगा करके अगर हम ये बोलते हैं तो हो जाए इसकी पेरीमीटर, वो हो जाती है उसकी पेरीमीटर। जैसे कि अगर हम सोचें कि जो हमारा प्ले ग्राउंड है
अगर मैं उसका पूरा एक राउंड लगा करके आता हूँ, उसके चारों ओर दौड़ करके आता हूँ, तो मेरे द्वारा जो पहली बार जो डिस्टेंस कवर हो जाएगी एक राउंड में, उसे बोलते हैं हम उसकी पेरीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर हमारे पास ये स्क्वायर है, मैंने इसे लेंथ लिया, तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की? पेरीमीटर हो जाएगी, से हम पी से, कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ, हमने ये कर लिया है, तो ये 2 टाइम्स आए हुए हैं, तो मैंने डबल कर दिया है, 2L+2B, और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो L+B। स्टूडेंट्स, हम पेरीमीटर को टोटल लेंथ यानी कि जो हमारी साइड्स हैं उन्हें ऐड करके भी निकाल सकते हैं, और कुछ हमारे पास फॉर्मूले भी बन जाते हैं, जैसे कि यहां पर हमारा एक फॉर्मूला बना है, हमने L+B+L+B किया है, ये डबल हो गए, L+L 2L और B+B 2B, तो 2 कॉमन लिया, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, 2L+B, तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया है। अगर हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर इसकी सभी साइड इक्वल होती है, चारों साइड अगर मैंने लेट कर लिया, ए ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, और ये साइड भी ए है, तो हम कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास a+a+a+a, तो ये तो 4 हो गए हैं, तो ए तो हमने साइड ली हुई है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी जो पेरीमीटर है वो है 4 × साइड। तो जैसी हमारी आकृति है और जैसी उसकी साइड होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला सबके लिए सेम है कि उसकी सभी जो साइड्स हैं उन सबको हमें ऐड करना होता है। अगर हम सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? पेरीमीटर। ऐसे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा a+a+a 3a, यानी कि 3 × साइड। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसका क्या नाम होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल होती हैं, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों सेम है और ये अलग है, इसे बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसे क्या बोलते हैं फिलहाल हम? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसे आइसोसेल। यस, और अगर हमारी तीनों साइड इक्वल होती है, सॉरी अनइक्वल होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, तो कैसे ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास? सपोज दैट अगर इसकी साइड है ए बी और सी, तो हो जाएगा स्केलन। तो ये तो स्टूडेंट साइड्स के बेस पर जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उनके मैंने नाम लिख दिए हैं, 3 तरीके के साइड बेसिस होते हैं, आइसोसेलेस और इक्विलेटर और स्केलन, लेकिन फिगर तो कोई भी हो सकती है, और उसकी हम पैरामीटर निकालेंगे, अगर वो एक क्लोज फिगर है तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। हम एक तरीका और भी यूज कर सकते थे स्टूडेंट्स, कि अगर हम एक रस्सी लें और उसे हम यहाँ पर एक पिन के द्वारा किसी तरीके से हम बांध देते हैं और उसे ऐसे इसके अराउंड एक बार लेकर के आते हैं, जैसे फॉइल फेंसिंग बोलते हैं हम, अगर एक अराउंड इसका हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी? पेरीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस यस स्टूडेंट्स, हमें यहां से एक बात और सीखनी है, अगर फिगर हमारी क्लोज होती है, मैंने अभी एक फिगर बनाई थी इस तरीके से, अगर ये फिगर क्लोज है तो ही हम इसकी बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस है इसे पेरीमीटर बोलते हैं, और जो कवर सरफेस हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया।
इनकी हमारी जो टोटल लेंथ हो जाएगी, इसे तो बोलेंगे हम, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस हम मूव करके यहाँ पर आ गए तो हम इसे बोलते हैं पेरीमीटर, और जो कवर्ड सरफेस है इसे बोलते हैं एरिया। अगर ये फिगर क्लोज्ड नहीं है तो उस कंडीशन में, सपोज करो ऐसे कोई फिगर बना दी है, या फिर ऐसे कोई फिगर बना दी है, यहां पर हम पैरामीटर नहीं बोलते हैं जो लेंथ दी हुई है हमें, केवल इसे एक डिस्टेंस बोलेंगे। यहां से कोई स्टार्ट हुआ चलना और ये यहां तक आया मूव करके, ए पॉइंट बी पॉइंट सी डी ई एफ। अगर हम ये कहते हैं कि ए से स्टार्ट किया चलना बी पर पहुंचे, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, तो ये क्या होगी, ये होगी लेंथ किसकी चलने की, तो इसे बोलेंगे हम केवल डिस्टेंस, पैरामीटर नहीं है ये, तो ये एक लेंथ है लेकिन ये जो बनकर के आया है इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, तो ये केवल एक डिस्टेंस होगी, कवर डिस्टेंस। डिस्टेंस में आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और प्लस ई एफ, तो इसे केवल हम डिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ, पैरामीटर पैरामीटर नहीं बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। पैरामीटर हम तभी बोलते हैं जब वह फिगर क्लोज होती है, इज दैट क्लियर। सेम एक बात यहां पर और है कि अगर हमारे पास कोई फिगर बनी हुई है इसी तरीके से, चाहे इसे ले लीजिए क्योंकि ये यहां से क्लोज नहीं है, अगर ये क्लोज नहीं है तो हम इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ये तो इसका आंगन दिख रहा है कि ये इसके इन इनसाइड है, बट ये यहां से बाहर चला गया है, उसके बाद ये इनफाइनाइट हो सकता है, क्या पता कहां तक का है एरिया, इसलिए हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो फिगर का क्लोज होना जरूरी है तभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, अगर ये ऐसे है तो इसका हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड से ये ओपन है। यही बात इसकी बाउंड्री की करता हूं, अगर मैं बाउंड्री की लेंथ को ऐड करता हूं तो हम इसे केवल डिस्टेंस बोलेंगे, पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, पेरीमीटर तभी बोलेंगे जब ये एक क्लोज्ड फिगर होती है। इज दैट क्लियर? आई होप आपकी ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। यस, तो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं यहां पर। सबसे पहले अगर मैं लेता हूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां से अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये लेंथ सॉरी ब्रेथ, ये ब्रेथ ले लेता हूं मैं, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, 90 का एंगल है हमारे पास सभी यहां पर, तो यहां पर पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, आप पूरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, से कंफ्यूजन नहीं होगा आपको क्योंकि पेरीमीटर तो कॉमन वर्ड है सभी क्लोज फिगर के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दो बार एल यूज हो रहा है यहां पर, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो टू एल प्लस बी हो जाएगा, यानी कि टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट में एल इनके लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ,
यहाँ पर एक बात और हमें याद रखनी है स्टूडेंट, जो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ हुआ है यहाँ पर इसका डबल हो गया है, तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी जो मेजरमेंट हम लिखेंगे, अगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही हमारा आंसर आएगा। तो जो इसकी यूनिट है इसे तो यूनिट में लिखते हैं हम, जो भी आपका सेंटीमीटर या मीटर आएगा। बट अगर हमारा एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा यहां पर, तो फिर और यह बनेगा सेंटीमीटर की पावर 2। अगर ये मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, दोनों सेम होने चाहिए लेंथ भी और ब्रेथ भी, या तो सेंटीमीटर में ही होंगे या फिर मीटर में होंगे। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा एम स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि हमारा जो एरिया आता है वो आता है स्क्वायर यूनिट में। तो जो इसका एरिया हम लिखेंगे उसकी जो यूनिट होगी वो होगी स्क्वायर यूनिट, जबकि जो हमारी पेरीमीटर होती है इसका जो मेजरमेंट हम लिख रहे होते हैं वो होता है केवल यूनिट में। इज दैट क्लियर? यदि याद रखेंगे एरिया के लिए हमेशा ये स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, और जो हमारा पेरीमीटर है पेरीमीटर के लिए हम जो भी यूनिट आएगी वो लिखेंगे। क्योंकि आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 से हम क्या समझ रहे हैं, ये एक कॉन्स्टेंट नंबर लिखा हुआ है 5, सिंपल एक संख्या है और इसे हम रीड कर रहे हैं कि ये 5 लिखा हुआ है। बट अगर हमने इससे पहले एक सिंबल लगाया ये रुपए का, अब क्या हो गया 5 रुपीज, अब हमारे माइंड में जो एक कंसेप्ट है कि पैसों की बात हो रही है भाई। और अगर मैं यहां पर मीटर ये लिख देता हूं 5 मीटर, तो ये जो बाद में हमने लिखा है ना मीटर, ये बता रहा है कि किसी मेजरमेंट की बात हो रही है, किसी का मेजरमेंट हुआ है, कोई वस्तु है कोई ऑब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट लिया है, वो 5 मीटर लॉन्ग है। क्लियर? और अगर मैंने यहां पर एम स्क्वायर कर दिया है तो अब ये कहेगा कि ये किसी का क्या है एरिया 5 मीटर स्क्वायर, वो कोई भी सेफ होगी और उसका जो सरफेस है सरफेस का जो एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर। तो जो मैंने अभी बातें लिखी है यहां पर रुपीज 5 या 5 मीटर, और भी लिख सकते हैं हम 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मैंने लिख दिया है, 5 लीटर। तो बेटा जो हमने यहां पर ये सिंबल यूज किए हुए हैं, जो यूनिट यूज की हुई है, इनकी वजह से ही हम देखो नंबर तो सेम था यहां पर 5, लेकिन ये जो हमने लिखे हैं मीटर किलोग्राम लीटर या रुपए या मीटर स्क्वायर, इनसे इनकी जो सेंस है वो बदल जाती है। इस नंबर की नंबर वही है लेकिन इसकी सेंस बदल जाती है, इसलिए आप ये बिल्कुल ये सोचना है कि जरूरी है लिखना, इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना हम सही से ये बता ही नहीं पाएंगे कि वो एरिया निकाला है हमने, लेंथ निकाल ली है या क्या निकाला है। तो ये कंपलसरी है, इसका हमें फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस काम को कर देते हैं कि वो डिजिट की तो मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख देते हैं और वो यूनिट नहीं लिखते हैं। तो प्लीज़ इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, अवेयर रहना है इसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसकी चारों साइड इक्वल है, मैंने इन्हें ए लेट कर लिया है। अगर इसकी चारों साइड इक्वल है और सभी एंगल 90 के हैं तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। यस, तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे 4 into साइड, राइट। इसी प्रकार एरिया ऑफ
स्क्वायर, जब एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है लेंथ इनटू ब्रेथ, बट यहां पर दोनों सेम है ना, ए इंटू ए यानी कि हम कहेंगे साइड इंटू साइड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, और ये स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा हमारे पास, और जो पेरीमीटर है वो आएगी हमारे पास यूनिट में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, एरिया मीटर में है तो साइड इसकी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? थ्री, हमारे पास है ट्रायंगल। यस स्टूडेंट, ट्रायंगल्स के मैंने आपको थ्री टाइप्स बताई थी अभी, वैसे तीन बेस और तीन एंगल के बेस पर भी होते हैं, तो सिक्स टाइप्स के होते हैं टोटल, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इसकी सभी साइड अलग अलग हैं ए बी सी, तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए प्लस बी प्लस सी, और अगर ये तीनों साइड इक्वल होती है तो यहां पर हमारा फॉर्मूला अलग बन जाएगा, ये तो सबके लिए कॉमन हो ही गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल हैं ए बी सी, तो यहां पर एरिया पेरीमीटर जो हो जाएगी हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि हो जाएगा हमारे पास थ्री ए, यानी कि थ्री इंटू साइड। क्लियर है स्टूडेंट? यूनिट में आ जाएगा। तो सिंपल जो हमारा मेथड था वो ये था कि जो हमारी क्लोज फिगर होती है उसकी सभी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं, और कोई भी इस तरीके की अगर फिगर है तो हम फाइंड कर सकते हैं उसका, उसकी पेरीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।